हाय गाइस, अमेजोन पे लग चुकी है मेगा ब्यूटी एंड फैशन सेल, जिसकी डेट्स हैं 25 नवंबर टू 29 नवंबर। मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, चाहे फैशन रिलेटेड हो चाहे ब्यूटी रिलेटेड हो, सारी मैंने अमेजोन से ली हैं बहुत ही अच्छे ऑफर पर। तो सारे लिंक्स को भी प्लस सेल की डेट को भी मैं डिस्क्रिप्शन बार में मेंशन कर दूंगी, तो आप वो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये खूबसूरत सा मेकअप लुक देखने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक खूबसूरत सा मेकअप लुक, जिसको आप एंगेजमेंट पे भी कर सकते हो, रिसेप्शन पे भी कर सकते हो, या बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव की मैरिज पे भी कर सकते हो। तो अगर आप एक न्यूली वेड हैं तब भी आप ये वाले मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आज का मेकअप लुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ डायरेक्ट फ्रॉम सैलून से। प्लस मैं आपको बता दूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं, चाहे ड्रेस हो चाहे ज्वेलरी हो, फुल मेकअप आइटम, सारी चीज़ें ली हैं अमेजोन से एक बहुत ही अच्छे डिस्काउंट एंड ऑफर्स के अंदर। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो ये यूज़ करने जा रही है डर्मा वाइप का हाइड्रा क्लिंजर, क्योंकि हर मेकअप से पहले जो है फेस को क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ये डर्मा वाइप के क्लिंजर को यूज़ कर रही हैं। इसको लेना है, हल्के हाथों से फेस पे मसाज करनी है, देन वेट टिश्यू से अच्छे से वाइप आउट कर देना है पूरे फेस को, ताकि फेस पे कोई भी डर्ट डस्ट हो, ऑयल सेक्रेशन हो, हर चीज़ हट जाए और जो बेस हमारा लगे बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में यूज़ की हैं सारी अमेजोन से लिए हैं बहुत ही अच्छी प्राइस पर, तो मैं लिंक सबके प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो क्लिंजिंग हो चुकी है, अब चलते हैं टोनिंग की तरफ, जिसके लिए ये यूज़ करिए गुड वाइब्स का रोज़ टोनर, काफ़ी अच्छा टोनर है ये। तो टोनिंग के बाद आपने हल्के हाथों से डैब डैब करना है ताकि स्किन के अंदर ये चला जाए, एंड देन आफ्टर दैट हम करेंगे मॉइस्चराइजेशन, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं लैक्मे एब्सोल्यूट की क्रीम को। तो ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इसको भी हल्के हाथों से आपने फेस पर लगाना है डॉट डॉट करके, देन फिंगर्स की हेल्प यूज़ करनी है आपने, अच्छे से मर्ज करा देना है। तो आप देख सकते हैं सीटेम हो चुका है, क्लिंजिंग हो चुकी थी, टोनिंग हो चुकी थी, अब मॉइस्चराइजेशन हो रहा है। आफ्टर डैट हम यूज़ करेंगे लिप्स को प्रेप, जिसके लिए ये यूज़ करेंगे लिप बाम को, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मॉइस्चराइजेशन हो चुकी है, अभी यूज़ करने जानी ममा अर्थ की उपटन लिप टिंट लिप बाम को, तो उसको लगाना है ताकि हमारे लिप्स भी मॉइस्चराइज लगें। तो अब ये यूज़ करने जा रही हैं कलर बार का प्राइमर, थोड़ा सा लेना है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगाना है और अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी है जब तक ये स्किन के अंदर चला न जाए। प्लस मैं आपको बता दूं, प्राइमर लगाने के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन आप कभी ना लगाएं, 5 मिनट के आप वेट करें, जब तक प्राइमर आपके स्किन के अंदर चला जाए, आपके जो पोर्स हैं ये ब्लर आउट हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद ही आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करें। तो फाउंडेशन से पहले हम करने जा रहे हैं कलर करेक्टर को, जिसमें हम यूज़ करें एलए गर्ल का कलर करेक्टर। ये काफ़ी अच्छा कलर करेक्टर है, ये वेडिंग लुक है तो इसके अंदर हम कवरेज थोड़ी ज़्यादा देने वाले हैं, एल्स हम जो हैं, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो मैं आईज़ के नीचे और आपको बताती हूँ लिप्स के आसपास ही दें, बट ये वेडिंग लुक है, कम्प्लीट वेडिंग लुक, इसको कम्प्लीट करने के लिए हम इसकी कवरेज जो है फॉरहेड पे भी देंगे, जो कि अभी आप आगे जाकर देखोगे। तो आप देख सकते हैं बेस सेटिंग के लिए हम ये कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसको लगाना है, हल्के हाथों से मसाज देनी है ताकि ये स्किन के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। तो अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं देन आप 5 मिनट रुकेंगे एंड देन फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो है कलर करेक्टर यूज़ होता है। तो आपने देखा कंसीलिंग हो चुकी है, अभी यूज़ करने जा रही हैं पैक का लिक्विड कंसीलर, जो कि येलो टोन में यूज़ करेंगी, क्योंकि ये वेडिंग मेकअप है तो हाई कवरेज देनी है, इसलिए अगर हम सिर्फ ऑरेंज करेक्टर के ऊपर फाउंडेशन लगा देंगे तो ऑरेंज का जो बेस है वो नीचे से दिखेगा, तो वो ना देखे, इसके लिए ये यूज़ करिए पैक का लिक्विड कंसीलर। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार में प्रोवाइड कर दूंगी, जो भी प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से बहुत ही अच्छे ऑफर पे लिए हैं, इवन बाहर बहुत महंगे मिल रहे थे, अमेजोन पे बहुत अच्छे ऑफर चलते रहते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि ये मेकअप लुक हम कैसे अचीव करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और ट्यूटोरियल तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। इन्होंने अच्छे से ऑरेंज करेक्टर के ऊपर इसको अच्छे से सेट कर दिया है। हल्के हाथों से मसाज करिए। अब बारी आ जाती है फाउंडेशन को अप्लाई करने की, जिसमें ये यूज़ करी है फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन, जैसे कि अभी आपने देखा ये भी अमेजोन से लिया है मैंने बहुत अच्छे ऑफर पर, तो आप भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये और काफ़ी अच्छी कवरेज भी देता है ये। डैप डैप करके इसको लगाना है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन हल्के हाथों से मसाज करनी है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहते हैं देन आप वो भी कर सकते हैं। बट ये जो मेरा मेकअप करी है बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, इनको 12 साल का एक्सपीरियंस है मेकअप के अंदर, तो इनको कोई ब्यूटी ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने हैंड से ही बहुत अच्छे से मर्ज करा लेती हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हल्के हल्के हाथ ये चला रही हैं और हल्के हल्के हाथ चलाकर किस तरीके से मर्ज कर रही हैं और स्किन के अंदर पता ही नहीं चल रहा, इतना फ्लॉलेस सा बेस दिख रहा है मेरे फेस का, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई फाउंडेशन लगाया हुआ है। तो आप इनकी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं एंड इनकी टेक्निक्स काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोफेशनल हैं। तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन जो है अप्लाई हो चुका है मेरा। तो फाउंडेशन के बाद अभी अप्लाई करने जा रही हैं फॉरएवर 52 के बनाना पाउडर को, क्योंकि अब बारी आ जाती है फाउंडेशन को सेट करने की, जिसमें हम यूज़ करेंगे बनाना पाउडर। हमेशा आप पाउडर से सेट ज़रूर करें अपने फेस को, नहीं तो क्या रहेगा, आपके फाउंडेशन के अंदर क्रीजेज आ जाएंगी, क्रैक हो जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते आपको फाउंडेशन क्रैकी लगे देन आप ज़रूर पाउडर से सेट करें, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 के बनाना पाउडर को, शेड मैंने आपको दिखाई दिया। एंड आफ्टर दैट अब बारी आ जाती है कंटूरिंग की, जिसके लिए यूज़ करी है शुगर की पैलेट नंबर 3 को, जो कि हाइलाइटिंग ब्लश कंटूर तीनों की एक पैलेट आती है, जिसके अंदर तीनों आपको मिल जाएंगे। देन आप देख सकते हैं कंटूरिंग कहाँ कहाँ की जाती है, नोज़ के आसपास की जाती है। कंटूरिंग का मैं आपको बता दूँ, कॉन्टोर हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा फेस जो है पतला लगे। अगर आपका नोज थोड़ा सा मोटा है देन आप उसको पतला दिखा सकते हैं कॉन्टोर कर, और शार्प तो फेस दिखता ही है, चीक्स के आसपास होती है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कर रही हैं ये। तो ये ट्यूटोरियल को फॉलो कर आप भी अपने फेस को पतला एंड शार्प दिखा सकते हैं। देन फॉरहेड एरिया अगर किसी का ब्रॉड होता है तो वहाँ पर कॉन्टोर किया जाता है, एंड नोज़ के आसपास हो चुकी है, चिन के नीचे किया जाता है ताकि डबल चिन को छुपाया जा सके जिनकी होती है। एंड अब यूज़ करने जा रही हैं फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट को। अब हम ट्रांजिशन शेड यूज़ करने जा रहे हैं, मैंने ये शेड लिया है। सेम दूसरी साइड भी वैसे ही करेंगे। इससे डार्कर शेड लेंगे, ये वाला ले रही हूँ मैं, डार्क शेड है ये। इस लाइन को ब्लेंड करेंगे। मैं इसको पहले ब्लेंड कर देती हूँ, जो दोनों शेड्स लगाए थे उसको मैं मॉर्फी के ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि कोई हार्श लाइन आई मेकअप में नहीं चाहिए। आईज पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, कट क्रीज कर रही हूँ मैं आईज पे। थोड़ा लाइटर बेस लेना है अपनी स्किन टोन से कट क्रीजिंग के लिए। वाला शेड यूज़ कर रही हूँ मैं, फिंगर से लगाऊंगी। इसके बाद मुझे इस पर ग्लिटर भी देना है। फ्रंट आई पे फिंगर से अप्लीकेशन कर रही हूँ, ब्रश से भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो आपको कन्वीनियंट हो। कॉर्नर में मैं शेड यूज़ करूँगी ये वाला वाइन शेड। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। हल्का सा मैं कॉर्नर पे ग्रे कलर यूज कर रही हूँ, बिल्कुल लास्ट में इस जगह पर कॉर्नर में।
फिंगर पे लिया मैंने, सिर्फ कॉर्नर और नहीं, थोड़ा स्मोकी इफेक्ट भी आ जाएगा और आईज में 2-3 शेड बहुत सुंदर लगा। लेस ब्लेंड करना और आगे शेड खत्म ना हो, वाइन में मिक्स बहुत ज़्यादा ना हो, हल्का सा ब्लेंड हो बस। यहाँ पर वाइन कम लग रहा है तो मैं फिंगर से वाइन बढ़ा रही हूँ। जितना हमारा प्रोडक्ट नीचे फॉल हुआ है वो भी मैं डस्ट ऑफ करूँगी। बेकिंग क्योंकि हम कर चुके हैं, जब हम बेकिंग कर देते हैं तो कुछ भी ग्लिटर पिगमेंट जो भी आई पे गिरा हो हम डस्ट ऑफ कर सकते हैं। अब हम ग्लिटर ग्लू से ग्लिटर लगाएंगे आगे। मैंने थोड़ी सी ग्लिटर ग्लू ले ली है अपने हैंड में, मैं मेकअप रेवोल्यूशन की यूज़ कर रही हूँ, फॉरएवर 52 का मैं 10 ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ भी ग्लिटर लगाना है मैंने आगे मुझे चाहिए वेडिंग लुक के अकॉर्डिंग। ग्लू लगाया, पेस्ट किया, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ग्लिटर ब्लिंक कर रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल। ग्लू लगाओ, पेस्ट करो ग्लिटर। इधर स्टार्टिंग पर कम प्रोडक्ट हमेशा लगाएं और फिल इसको डार्क करें तो नेचुरल लुक देती है, वरना बहुत बुशी आईब्रोज लगती हैं। आगे प्रोडक्ट हमेशा लेस लें। हम आईलैश लगाएंगे, मैं पैक का 59 नंबर यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है ये। 58 59 दोनों अच्छे हैं, 58 थोड़ा हैवी आइज़ के लिए, 59 नेचुरल आइज़ के लिए हैं। लैश लगाने से पहले मैं काजल यूज़ कर रही हूँ आइज़ की ऊपर लिड के नीचे, ताकि लैश का गैप जो है वो दिखे ना लास्ट में। अब मैं लैश लगाऊंगी, फिफ्टी नाइन नंबर बेस्ट है पैक का, नेचुरल भी है और विजिबल भी होता है।
किसी भी ब्रश के बैक से इसको हम प्रेस कर देंगे, नॉर्मलाइज नॉर्मल। कॉर्नर्स हमेशा अच्छी तरह पेस्ट करेंगे, कॉर्नर से ही हमेशा लाश जो है वो उखड़ती है, तो आप ध्यान रखें। जब तक लैश ड्राई हो रही है तब तक हम ब्लश यूज़ कर लेते हैं। मैं पिंक पीच मिक्स करके लगाऊंगी डस्ट। स्माइल। तक हाइलाइट्स कर लेते हैं तब तक लैश ड्राई हो जाएगी। लिपस्टिक की मैंने आउटलाइन बना लिया। मेरी लैश जो है वो पेस्ट हो गई है, तो मैं लाइनर और जो मुझे नीचे आई के नीचे मेकअप करना है तो वो मैं अभी करूँगी। तब तक मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। मैं इनग्लॉट का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो ये जेल लाइनर है बहुत ही अच्छा लाइनर है, एकदम इंटेंस ब्लैक। अब हम आईज ओपन करवाएंगे। ऊपर आईज ओपन करना, ऊपर देखो अंदर काजल फिल कर रही हूँ मैं। मैं शुगर का काजल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, एकदम इंटेंस ब्लैक और वेलवेटी ऊपर, आँखों में इरिटेशन भी नहीं होती, इजी स्ट्रोक है। अब हम मस्कारा लगा रहे हैं, जो हमारी फॉल्स लैशेज है, फॉल्सेज उसको हम रियल में मर्ज कर रहे हैं। ऊपर लोअर लैश पे भी हम लगा रहे हैं मस्कारा। अभी आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है लोअर लैश पे ग्लिटर का, तो मैं ग्लिटर वाला आईलाइनर यूज कर रही हूँ। ऊपर देखो, ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं है, सटल ग्लिटर लेना है सिर्फ शीन के लिए। करेंगे जो हम लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं वो हम पिंक कलर की यूज़ करेंगे आज। मैं फॉरएवर 52 का पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल शेड है। थोड़ा सा मैं ग्लॉस दूंगी लिप्स पे शीन के लिए, क्योंकि विंटर्स हैं। एक स्मॉल सी हम बिंदी लगा रहे हैं। अब मैं फिक्सर यूज कर रही हूँ। तो अभी ये करने जा रही है हेयर स्टाइल को। ये जो टूल इन्होंने यूज़ किया ये भी अमेज़ॉन पे मिलता है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इन्होंने दिए थे कर्ल्स जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन मैं आपको इसी हेयर स्टाइल को दो तरीके से स्टाइल करना दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर, ताकि आप
किसी और की वेडिंग के लिए कर रहे हैं, अपने कहीं क्लोज रिलेटिव की वेडिंग के लिए कर रहे हैं, अपनी वेडिंग के लिए कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने यूज़ की थी 2 एसेसरीज। आप देख सकते हैं आजकल जो है बड़ी बड़ी साइड में एसेसरीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये भी अमेज़ॉन पे मिल जाती है, तो इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं, एक तरीका ये है। देन आप देख सकते हैं बिंदी हमने जो है चेंज कर दी, क्योंकि वो हमें इस मेकअप लुक के हिसाब से ठीक नहीं लग रही थी। आप चाहें तो वैसी भी लगा सकते हैं। और ये जो ज्वेलरी है ये भी मैंने अमेज़ॉन से ली है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप देख सकते हैं इस लहंगे के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है ये वाली ज्वेलरी। अगर आप ये बड़ी सी एसेसरी नहीं लगाना चाहते देन आप साइड में छोटे छोटे फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं अमेज़ोन पर, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सारी अमेज़ोन से ही की हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा कंप्लीट एंड फाइनल लुक विद लहंगा, विद मेकअप, विद ज्वेलरी। तो आप ये वाले मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं अपकमिंग वेडिंग सीजन के लिए। आप इसे अपनी रिसेप्शन एंड एंगेजमेंट पे भी ट्राई कर सकते हैं ये वाला ट्यूटोरियल देखकर। तो आई होप आपको ये वाला मेकअप लुक काफ़ी अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हमने दिखाए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अमेज़ॉन से लिए हैं बहुत ही अच्छे ऑफर्स पर, तो सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बार के अंदर हैं, तो आप उनको चेक करना ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।